2022 में भी हमारे गठबंधन का नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे थे, उस वक्त भी उन्हीं के पास ये अधिकार था कि हम उनके गठबंधन में होंगे या नहीं। तो हम आज भी ये मानते हैं कि आज भी वो हमारे बड़े भाई की जगह पर हैं और आज भी उन्हीं के पास ये अधिकार सुरक्षित हैं कि गठबंधन में हम होंगे तो कितनी हमारी ताकत होगी और क्या हमारी जिम्मेदारियाँ होंगी, ये सब अधिकार उनके पास भी निहित हैं। सपा की विधायक और अपना दल कमेरावारी नेता पल्लवी पटेल की सपा से नाराजगी अब दूर होती नजर आ रही है। इसके साथ ही पल्लवी पटेल राज्यसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने के लिए भी तैयार हो गई, लेकिन वो पीडीए के प्रत्याशी को ही वोट करेंगी। गौरतलब है कि बीते बुधवार को सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो गया, जिसके बाद गुरुवार को पल्लवी पटेल का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं और हमारे लिए निर्णय लेने का अधिकार अखिलेश यादव को, मैं पीडीए के साथ हूं और राज्यसभा चुनाव में उसी के अनुसार मतदान करूंगी। देखिए पल्लवी पटेल ने और क्या कुछ कहा। देखिए, कल जो घोषणा हुई है, निसंदेह हम लोग इंडिया का हिस्सा थे तो उसको थोड़ी धार मिलेगी, और रही बात ये कि आगे गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो इस पे तो माननीय अखिलेश यादव जी के पास ही पहले भी ये उनके पास अधिकार सुरक्षित थे कि कौन इस गठबंधन का हिस्सा होगा कौन नहीं होगा, और अभी भी मेरा ये मानना है कि अभी भी उन्हीं के पास ये अधिकार सुरक्षित हैं कि कौन आगे इसमें और एड ऑन होगा। क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये अलायंस, और क्या ये अलायंस बीजेपी से टक्कर ले पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अभी से किसनदेह सीटें आ रही हैं। देखिए, अगर 80 में 80 उन्हीं की आ रही है तो फिर चुनाव में जाना ही क्यों। राजनीतिक दल हैं तो चुनाव में हिस्सा जरूर लेंगे, और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वहां पर सबसे अहम हो जाता है जो इस देश की जनता चाह रही है कि हर एक व्यक्ति की गिनती हो। जातिवार जनगणना सबसे अहम सवाल होगा जो इस वक्त एनडीए इंडिया की तरफ से फेस करेगा। एक और सवाल है, अभी आपने गठबंधन में रहेगा कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि 63 सीटें अभी भी हैं, अभी कैंडिडेट्स की कुछ ही लिस्ट आई, अभी बहुत सारे बचे हैं, आपका क्या है, क्योंकि बीइंग अलायंस ऑफ समाजवादी पार्टी आपने 2022 में चुनाव साथ लड़ा, से पहले भी आप साथ में थी, तो अभी का क्या पॉलिटिकल सिनेरियो होने वाला है। देखिए, 2022 में भी हमारे गठबंधन का नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे थे, उस वक्त भी उन्हीं के पास ये अधिकार था कि हम उनके गठबंधन में होंगे या नहीं होंगे। तो हम आज भी ये मानते हैं कि आज भी वो हमारे बड़े भाई की जगह पर हैं और आज भी उन्हीं के पास ये अधिकार सुरक्षित हैं कि गठबंधन में हम होंगे तो कितनी हमारी ताकत होगी और क्या हमारी जिम्मेदारियां होंगी, ये सब अधिकार उनके पास ही निहित हैं। तो क्या अभी आपके अखिलेश जी से लोकसभा को लेकर बात हुई है, क्योंकि आपकी भी पार्टी हिस्सा है और जाहिर सी बात है ये इंडिया के सभी हिस्सा हैं, तो लोकसभा में कहां से लड़ने की या कोई इसको लेके सीट की बात हुई है? नहीं नहीं, अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। चर्चा होगी तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर सीटों की चर्चा होगी तो उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय अखिलेश यादव जी साथ बैठ के ही बात करेंगे, और उसमें पहले की बात ही हमेशा से ही उन्हीं के पास ही अधिकार होंगे और वो हमारी जिम्मेदारियां क्या होंगी और हमारा काम क्या होगा इसको डिसाइड करेंगे। मतलब माना जाए जो आपके बयानों से ये जाहिर हो रहा है कि कोई डिफरेंस नहीं है, आप लोग साथ में हैं, अब आगे अखिलेश यादव जी को डिसीजन लेना है लोकसभा को लेकर। हाँ, हम पहले भी साथ में थे, आज भी हम साथ में हैं और गठबंधन में हैं, और वो हमारा नेतृत्व कर चुके हैं 2022 में, तो जैसा भी जो भी काम हमारे लिए वो समझेंगे ये सारे अधिकार उनके पास हैं। एक सवाल और है, राज्यसभा चुनाव ये को लेके आपने अपनी आवाज बुलंद करी थी और उस पे अपने अपने विचार जाहिर किए थे, अभी क्या है, आप वोट करेंगी, कैसे वोट करेंगी, किसको वोट करेंगी? देखिए, मुझसे पीडीए अलग नहीं है, मैं पीडीए हूँ, और पीडीए दीवार पे लिखा हुआ कोई स्लोगन नहीं है, ये जन भावना है और उस जन भावना को हम उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, तो जब मैं पीडीए हूं तो पीडीए से अलग कैसे होना है? तो आप किसको वोट करेंगी? मैं अपनी बात पे आज भी अटिक हूं। आप पीडीए का, अगर पीडीए की आपने बात करी थी शुरुआत में तो आपने बताया था उसमें एक जो रामजी सुमन है वो भी पीडीए से आते हैं, तो क्या आपका वोट उनको जाएगा या बीजेपी के कैंडिडेट्स को जाएगा? जिस दिन वोट करने जाएंगे उस दिन देखिएगा। वोट का अभी नहीं कि मतलब आप पीडीए कह रही हैं और साथ में भी हैं, तो एक बार नहीं, इस पे क्या क्लैरिटी चाहिए, मैं पहले ही कह रही हूं कि मैं पीडीए हूं और पीडीए के प्रति प्रतिबद्ध हूं
उसी के साथ रहूंगी। किसके पीडीए सर, आप मतलब रामजी लाल सुमन के साथ जाएंगी या नहीं? दूसरा पीडीए है ही कहाँ, हम पीडीए हैं, हम ही जनभावना है और हम ही पीडीए रहेंगे। मतलब आप रामजी सुमन को इस चुनाव में वोट करने वाली हैं? मैं पीडीए के साथ हूँ, यही माना जाए आप ऐसे पीडीए के साथ हूँ। पीडीए के साथ है मतलब समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि आप सब लोगों ने साथ मिलकर पीडीए का नारा दिया था, आप भी अलग नहीं है, आप सब लोगों ने साथ मिलकर इसका आह्वान किया था। किसी पार्टी से ऊपर पीडीए जनभावना है और जिनके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, तो ऐसी जनभावना ऐसी प्रतिबद्धता के साथ पीडीए के साथ हैं। एक सवाल बारे में और आपके सवाल को, तो उन्होंने भी इसका जवाब दिया कि आप समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ी थी और जीती थी, लेकिन आपकी जो माता जी थी कृष्णा पटेल वो अलग लड़ी थी चुनाव। देखिए हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर बड़े भाई और बड़ी भाभी को माता और पिता के तुल्य माना जाता है, वो स्थान दिया जाता है। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और निसंदेह उनका जो स्नेह मेरे लिए है वो स्वाभाविक भी है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि मैं उनके सिंबल पे लड़ी और जीती। माता जी सिंबल दूसरे सिंबल पे लड़ी, हार गई। इसके अलावा उस गठबंधन में जो आज हम वर्तमान समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उसके अलावा भी 200-250 सीटों पे हम सिंबल पे लड़े थे, तो वो भी तो हारे। तो हार और जीत का पैमाना कभी भी पार्टी का सिंबल नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानती हूँ। बता दें कि सपा की तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए जया बच्चन, आलोक रंजन और रामलाल जी सुमन को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसको लेकर पल्ली पटेल ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा था कि वो सपा को वोट नहीं करेंगे, लेकिन अब उन्होंने वोट करने का ऐलान कर दिया है।